स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट दिस बुक न्यू मास्टिंग ग्रामर क्लास 7 चैप्टर नंबर 20 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड फॉर दिस चैप्टर आई विल टेल यू सम बेसिक रूल्स। यू कैन स्किप दिस पेज एंड कम ऑन दिस पेज डायरेक्टली बिकॉज सम रूल्स आर क्लियर्ड बाय फोर्थ और फिफ्थ क्लास। ओके, सो दीज आर द बेसिक चेंजेस। मीन्स आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ये पता होना चाहिए। ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही आप थक जाओगे पढ़ पढ़ के। ये सब क्लियर हो चुका है आपको फोर्थ क्लास तक, ठीक है। तो जो आपको अब करना है वो ये है चेंज ऑफ टेंसेस। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपने चेंज करना है और कहाँ नहीं करना। पहला क्या है, इफ़ द इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। इसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्टरी को लेना है आपको, इसको छोड़ दो आप रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के साथ ना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी जो आपको नहीं करना। स्पीच अलग होती है बेटा, स्पीच होता है जो किसी ने बोला कि मुझे ये खेलना पसंद है, खाना पसंद है, जो बोले गए शब्द हैं उनको स्पीच कहते हैं। और वर्ब जो होती है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ठीक है। इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको यहाँ से काट दीजिए, सिर्फ इंट्रोडक्टरी वर्ब करिए, इंट्रोडक्टरी वर्ब कि जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में द गर्ल सेज, ये इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। विल से इंट्रोडक्टरी है, यहाँ पर सैड इंट्रोडक्टरी है बस, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने कहा है इधर वाली चीज़ वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग स्पीच। अब स्पीच में भी आपने सिर्फ इस पे ध्यान देना, हैव गोन, ठीक है, इधर आपने हैव, इधर वॉन्ट, इन पर ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी और जो थोड़ी बहुत चेंज होगी वो भी इतनी बड़ी मैटर नहीं है। मेन होता है एक तो इंट्रोडक्टरी वर्ब जो कि ये स्टार्टिंग में दिया होते कोमा से पहले, और एक होता है जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो वाला, बस ये ध्यान रखना आपने। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, द गर्ल सेज। अब सेज देखिए ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म से प्लस एस और ईएस, ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब ये ऐसा दिया हो ना तो ये जो दिया हो ना एम ईटिंग, आई तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसको छोड़ो, ये है हमारा वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है जिसे हम चेंज करने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो एम ईटिंग का हमने यहाँ पे सेम रखा इज ईटिंग, मतलब ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ये सिर्फ इज में इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि ही शी इट के साथ हम इज यूज़ करते हैं और आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं बस, और यू के साथ हम आर यूज करते हैं, लेकिन सेज की वजह से हमने इसको और कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज ही रखा। इसी तरह से हमारा फ्यूचर के लिए आप देखिए विल से, विल से को देखते हुए हैव गोन जो था वो हैव गोन ही रहा। अगर यहाँ पे पेरेंट्स के बजाय यहाँ पर पेरेंट चेंज हो जाता किसी भी रीजन से, प्लूरल की जगह सिंगुलर आ जाता तो यहाँ हैज गोन हो जाता, जैसे कि यहाँ पर एम से इज चेंज हो गया था शी को देखते हुए, ऐसे ही अगर यहाँ पर पेरेंट में चेंज करना पड़े, मतलब कि कुछ ऐसी बात आ जाए जिसमें कि उसका प्लूरल बन जाए, जैसे कि अगर हाँ यहाँ पे कोई इस तरह से बन जाता है जैसे कि ही बन जाता है, शी बन जाता है, तो ही शी के साथ हैज़ गोन आता, हैव गोन नहीं आता, हैज़ गोन आता, लेकिन रहा ये प्रेजेंट ही, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो ना कि सेज है तो सेम ही टेंस रखना है, विल से है तो सेम ही टेंस रखना है, समझ रहे हो। लेकिन आगे हम चले पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या है कि जो ये हो गया ना सेड, अब देखो सेज प्रेजेंट था, फिर विल से फ्यूचर था, अब ये पास्ट है, ये पास्ट हो गया ना, तो हमने इस चीज़ को चेंज करना है सब्जेक्ट के बाद वाली चीज़ को, हैव को चेंज कर दिया हमने किस में, हेड में, यहाँ देखिए हेड में, ठीक है। बस ये जब आप समझ गए ना तो बहुत इजी है ये चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, लेकिन मज़ा आता करने में क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड में सीखने को मिलता है कि अच्छा यहाँ चेंज होगा। तो सैड वाले केस में यानी कि जब पास्ट टेंस दिया हुआ हमारे पास शुरू की इंट्रोडक्टरी
वर्ब में, तब हमने चेंज करना, अदरवाइज हमने चेंज ही नहीं करना। या फिर हमने चेंज करना है जब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर लगाते हैं और प्लूरल के साथ इज सॉरी सिंगुलर के साथ इज एम लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम लगाते हैं। ये तो आपके टेंस वाले चैप्टर में कंप्लीट हो ही चुका है, तो वहाँ पर से लो और यहाँ पर डालो से यूज़ करो। अब इसके बाद जो भी ये आपको बताए ना रूल्स, ये तभी अप्लाई होगी जब हमारी टेंस जो है वो पास्ट टेंस में हो, यानी कि सैड हो, जब आगे सैड हो या टोल्ड हो, कुछ ऐसा हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो यहां पे। ना तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, से भी नहीं होना चाहिए, सेज भी नहीं होना चाहिए, विल से भी नहीं होना चाहिए, ना फ्यूचर ना प्रेजेंट, सिर्फ पास्ट हो, टोल्ड, सैड, बैग्ड, रिपोर्टेड, इस तरह का हो, तब हमने चेंज करना। इन सारे केस में, ये सारे केस सिर्फ पास्ट टेंस के हैं, ठीक है? तो आपने बस इसका ध्यान रखना। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है, बाकी कुछ काम नहीं है। बाकी सारे आपका रिपीटेड है, जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्लास में आप कर चुके हो। सेवन्थ में आपको यही करना है। इज एम आर को वोज वर में चेंज करिए, वोज वर को हैड बीन में। और ये सारा चेंज कब करना है? जब पास्ट टेंस हो, ओनली ओनली पास्ट टेंस के केस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, तो सिर्फ तभी यूज करना और इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए बस। बाकी सब आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा, इतना सारा पढ़ पढ़ के दिमाग खराब नहीं करना। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपनी एफ एक्सरसाइज पर। ठीक है, एफ एक्सरसाइज का अभी मैं आपको जल्द ही कंटिन्यू करती हूँ, जस्ट वेट। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज एफ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद करिए और उसके बाद मेरी वीडियो से क्रॉस चेक करिए। सो वर्क हार्ड बेटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।